प्रदीप कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारी इस ऑनलाइन वीडियो ट्यूटोरियल में। दोस्तों ये वीडियो एक्सेल की लेटेस्ट वर्जन एक्सेल 2021 का है। जी हां, लेटेस्ट अभी 2022 के अंदर जो सबसे लेटेस्ट एक्सेल है ऑफिस 365 के अंदर, हम उसी चीज पे डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला वीडियो जो है और हम बात करेंगे एक्सेल के बारे में। जी हाँ, इंट्रोडक्शन टू एक्सएमएस एक्सेल। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आप एक्सेल सीख लेते हो या सीखने जा रहे हो तो एक्सेल का उपयोग आप एक्सेल अपने ऑफिस में कैसे करोगे, क्या यूज है एक्सेल का, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डेटा स्टोरेज। जी हाँ, किसी भी तरह के डेटा को हम स्टोर करते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा एक्सेल डेटाबेस नहीं है। जी हाँ, आप सोचेंगे कि एक्सेल को हम डेटाबेस बना दें तो एक गलत होगा। इसके पीछे रीजन है सिक्योरिटी की। जी हाँ, सिक्योरिटी, क्योंकि आप अगर मान लीजिए एक्सेल के सीट के अंदर ही या फाइल के अंदर ही, मान लीजिए मैं प्रोटेक्ट करता हूँ, मैंने राइट क्लिक किया, प्रोटेक्ट शीट किया, पासवर्ड डाला, और जैसे ही मैं पासवर्ड कंफर्म कर रहा हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट खुद ब खुद बोल रहा है कि इफ यू लॉस एंड फॉरगेट द पासवर्ड इट कैन नॉट बी रिकवर्ड। और पासवर्ड तो हम भूलते रहते हैं। इसके अलावा इसमें डेटा 1.5 लाख से ज़्यादा लाने पे फाइल हैंग होने लगती है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फाइल बनाते हैं तो फाइल करप्ट होने की चांसेस होती है, कोई डिलीट कर सकता है फाइल की, तो ऐसी प्रॉब्लम होती है। तो अगर हम डेटाबेस नहीं बना सकते एक्सेल को, तो हम करेंगे क्या, किस तरह का डेटा स्टोर करेंगे? तो सबसे पहले आता है मिसलेनियस। जी हाँ, मिसलेनियस डेटा। अब मिसलेनियस डेटा क्या होता है? जैसे मान लीजिए आप अकाउंट में हैं, आप अकाउंट मेंटेन करते हैं, और आपके पास मान लीजिए पेटी कैश का डेटा है। आप 2 रुपये की फोटो स्टेट कराई है, 3 रुपये का चाय पिया है, 10 रुपये किसी को कन्वेंस दिया है, बस का किराया दिया है। अब ऐसी इंफॉर्मेशन हम टैली में नहीं डाल सकते, हर किसी के लिए लेजर नहीं बना सकते। तो हम क्या करते हैं कि एक लेजर पेटी कैश का बना देते हैं और उसके अंदर हम पूरी खर्चे डाल देते हैं। बट प्रॉब्लम आती है कि टैली सैफ फिको में अगर हम रिकॉर्ड नहीं रख रहे हैं, लेकिन महीने में 10-20 हज़ार का खर्चा हो रहा है, तो हमें कहीं ना कहीं हिसाब तो रखना होगा, वो हम एक्सेल में रखते हैं। दूसरा SME। SME मतलब शॉर्ट मीडियम इंटरप्राइजेज। हम जैसे छोटे लोग जिनके पास डेटा 10 हज़ार से ज़्यादा नहीं होता है, वो लोग अपने डेटा को एक्सेल पे रखते हैं, SME। उसके बाद आता है एनालिटिक्स डेटा। अब एनालिटिक्स डेटा क्या होता है? देखिए, मान लीजिए कि आप सैप यूज कर रहे हैं, सिक्वल यूज कर रहे हैं, ऑरिकल यूज कर रहे हैं, या और भी बहुत तरह के डेटाबेसेस यूज कर रहे हैं, लेकिन जब डेटा को रिपोर्ट बनाने की बात आएगी, डेटा को एनालिसिस करके एक डैशबोर्ड बनाने की बात आएगी, तब तो आपको एक्सेल में डेटा लाना ही होगा। अब किस तरह के एनालिसिस की बात कर रहे हैं, तो चलिए हम आपको एक रिपोर्ट सामने प्रेजेंट करते हैं। अब देखिए, ये रिपोर्ट है, ये सेल्स डेटा का रिपोर्ट है जो 31 मई 2022 को हमने बनाया हुआ है, और आप देख सकते हैं कि ये रिपोर्ट बना हुआ है। अब इस पे स्लाइसर लगा है, जैसे मान लीजिए मैंने 8 को सिलेक्ट किया, तो पूरा रिपोर्ट 8 के अकॉर्डिंग विद इन सेकेंड में चेंज हो गया। बट ये चेंज कैसे हो रहा है? क्योंकि इसका सोर्स डेटा इस फाइल के अंदर अवेलेबल है, जब हम सिलेक्ट करते हैं तो उसी तरह की कैलकुलेशन होके सामने रिप्रेजेंट होता है। तो ये डेटा हमने एक्सेल पे होल्ड किया और फिर उसको कैलकुलेट करके हमने डैशबोर्ड के रूप में अपनी इंफॉर्मेशन को निकाली है। अगर इस डेटा को यहाँ होल्ड ना करते तो फिर कैलकुलेशन कैसे निकालते, क्योंकि एक एक जाके सॉफ्टवेयर में देखना मुश्किल होता ना, इसलिए हम एनालिटिक्स डेटा को स्टोर करते हैं। तो पहला हम बात समझ गए कि डेटा स्टोरेज। दूसरा आता है कैलकुलेशन। देखिए, कैलकुलेशन के लिए एक्सेल से कोई अच्छा सॉफ्टवेयर ही नहीं है। एक्सेल इज द बेस्ट फॉर कैलकुलेशन। अब इसके पीछे रीजन क्या है? अब इसके पीछे रीजन है, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मैंने यहाँ पे मान लीजिए कि क्वार्टर 1 है और यहाँ पे क्वार्टर 2 है।
क्वार्टर वन में हमने 50 सेल किया, क्वार्टर टू में 60 सेल किया। अब इसके ऊपर मुझे ग्रोथ निकालने हैं। क्या निकालने हैं? ग्रोथ। अब प्रॉब्लम ये आती है कि ग्रोथ के लिए कैसे करें। हो सकता है एक्सेल में ग्रोथ के लिए फॉर्मूला हो सकता है ना हो। अगर हो तो मेरे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग नहीं है, मेरे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग नहीं है। तो ऐसा कुछ करें जो हम मैथमेटिकल फॉर्मूला लगाएं। अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स कहता है कि ग्रोथ इक्वल टू लेटेस्ट, मतलब कि क्वार्टर टू माइनस ओल्डेस्ट डिवाइड बाय ओल्डेस्ट। अब इसी फॉर्मूला को हम इजीली यहां डाल सकते हैं कि लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट डिवाइड बाय ओल्डेस्ट। एंटर प्रेस कीजिए, 0.2 आ गया। इसके ऊपर हम परसेंटेज का सिंबल अप्लाई करेंगे, 20% कैलकुलेट हो गया। तो इसमें दो चीज देखी जाती है, पहली कि हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन को इजीली यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप सिक्वल यूज किए होंगे, ऑरिकल यूज किए होंगे या पावर बीआई यूज किए होंगे तो आपने देखा होगा वहां पे फील्ड टू फील्ड की कैलकुलेशन होती है। जी हाँ, एक फील्ड से दूसरे फील्ड की कैलकुलेशन होती है। बट यहाँ हम एक सेल टू अनदर सेल की कैलकुलेशन कर रहे हैं। ये चीज सिर्फ एक्सेल में ही होता है, इसलिए मैंने बोला कि सॉफ्ट कैलकुलेशन के हिसाब से एक्सेल इज द बेस्ट सॉफ्टवेयर। उसके बाद आती है बारी डेटा एनालिसिस एंड रिप्रेजेंटेशंस। अब बोलेंगे सर डेटा एनालिसिस तो ठीक है, रिप्रेजेंटेशन में प्रेजेंटेशंस के लिए, रिपोर्ट प्रेजेंटेशन के लिए तो हम लोग पावर पॉइंट इस्तेमाल करते हैं ना। देखिए हम बात कर रहे हैं डायनेमिक रिपोर्ट प्रेजेंटेशंस की। जैसे अगर मान लीजिए अभी थोड़ा देर पहले जो हमने एक्सेल की फाइल ओपन की थी उसी फाइल को ओपन करते हैं। अब इस तरह के एनालिसिस आप देख पा रहे, हालांकि पावर बीआई में भी इस तरह के एनालिसिस तैयार की जा सकती है, लेकिन एक्सेल की तरह फॉर्मेटिंग और इस एक्सेल की तरह फ्रीडम उस पर नहीं होता। उसमें प्री डिफाइंड चीज़ें होती है जिसको यूज करना होता है, बट यहाँ हम अपने हिसाब से जो चीज़ें चाहिए बना सकते हैं। और हम अच्छे एक डेटा को जो आप देख रहे हैं इतना बोरिंग डेटा है, इस बोरिंग डेटा को हमने कुछ समय बिताया और उसको हमने इस तरह की एक फंटास्टिक रिपोर्ट में कन्वर्ट कर दिया, फंटास्टिक रिपोर्ट में कन्वर्ट कर दिया जहां से इजीली समझ में आ रहा है। डेटा एनालिसिस होता क्या है? देखिए डेटा एनालिसिस होता है कि आपने डेटा को देखा समझा और उससे कुछ इंफॉर्मेशन निकाले। जैसे कि हमने यहाँ निकाला कि मेरा जोन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ का सेल्स परसेंटेज क्या है। तो मान लीजिए कि मैंने अगर 100, मेरी फैक्ट्री ने अगर 100 प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया है तो किस रीजन में कितनी क्वांटिटी भेजना है ये कैसे डिसाइड होगा। तो सिंपल यहाँ दिख रहा है कि मेरा 24% का सेल्स शेयर नॉर्थ में है, तो जाहिर सी बात है हम नॉर्थ में इसको भेजेंगे, 24 जो 100 में से 24 को नॉर्थ में भेज देंगे। तो इससे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अच्छे तरीके से वर्क करेगा। और ये वर्क कैसे किया? एक छोटी सी इंफॉर्मेशन की मदद से। अब बात करते हैं कि हम पावर पॉइंट क्यों यूज नहीं करेंगे रिपोर्ट रिप्रेजेंटेशंस के लिए। अब देखिए मैंने अभी यहाँ 1 मई का रिपोर्ट बनाया हुआ है जो आपके सामने दिख रहा है। अब मान लीजिए ये सारे हमारे केपीआई है कैटेगरी से। मान लीजिए मुझे फर्नीचर के रिपोर्ट देखना है तो मैंने फर्नीचर पे क्लिक किया और मेरी रिपोर्ट पूरी की पूरी फर्नीचर के अकॉर्डिंग चेंज हो गई कि टोटल फर्नीचर के अकॉर्डिंग सेल्स, फर्नीचर के अकॉर्डिंग प्रॉफिट, उसके अकॉर्डिंग सब कुछ यहाँ पे देखिए चेंज हो गया कि ये फर्नीचर ईस्ट में 43% का सेल है। ये पूरा आप देख पा रहे हैं कि इस तरह से अपने आप चेंज हो गया, लेकिन पावर बीआई में नहीं होता ना। अगर हम इसको पावर पॉइंट में दिखाते हैं तो हम पावर पॉइंट में मुझे हर किसी के अलग अलग स्लाइड्स बनाने पड़ते। इसलिए हमने बताया कि रिप्रेजेंटेशन भी एक्सेल के थ्रू होगा। अब बात करते हैं डेटा शेयरिंग। डेटा शेयरिंग इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। अब बोलेंगे कि डेटा शेयरिंग मतलब हम किसी को डेटा रिपोर्ट भेज देते हैं ना। नहीं, वो तो ठीक है। देखिए जो रिपोर्ट हमने बनाते हैं पावर बीआई में ए या टैबलू में, वो रिपोर्ट बड़ी आसानी से बन जाती है।
पर प्रॉब्लम है कि अगर पावर बीआई टैबलो की रिपोर्ट्स अगर हम किसी को देते हैं तो फिर प्रॉब्लम क्या होती है कि उसको ऑन करने के लिए, उसको देखने के लिए उसके पास वो सॉफ्टवेयर होना चाहिए। आपको एक रिपोर्ट देखने के लिए पावर बीआई का सॉफ्टवेयर डाउनलोड तो नहीं करेगा ना, पहली चीज। दूसरी, अगर आप मान लीजिए कि किसी को एक्सेल की रिपोर्ट भेजते हैं तो बहुत सारे चांसेस है कि वो रिपोर्ट देख ली जाएगी, लेकिन मान लीजिए उसके पास एक्सेल नहीं हुआ तो ओपन आरजी हो सकता है, सैम्फनी हो सकता है, कुछ भी नहीं हुआ तो जीमेल खोल के वो स्कूल गूगल स्प्रेडशीट पे जाके आपकी रिपोर्ट को देख सकता है। इसलिए शेयरिंग इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर शेयरिंग पार्ट अगर वीक होता तो एक्सेल हर किसी के पीसी में, हर किसी के पहुंच में नहीं होता। तो मोटा मोटी हम बात जानते हैं कि एक्सेल की मदद से हम क्या क्या कर सकते हैं। हम डेटा एंट्री कर सकते हैं, हम टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, डेटा मैनेजमेंट कर सकते हैं, हम अकाउंटिंग कर सकते हैं, हम फाइनेंशियल एनालिसिस कर सकते हैं, हम चार्ट और ग्राफ्स के जरिए डेटा विजुलाइज कर सकते हैं, हम प्रोग्रामिंग करके अपने लिए कुछ नया बना सकते हैं, हम टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, टास्क मैनेजमेंट कर सकते हैं, हम फाइनेंशियल मॉडलिंग कर सकते हैं, हम सीआरएम की जैसा कुछ बना सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि कुछ भी एनीथिंग जो हमें ज़रूरत है वो सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि एक्सेल 2021 में नया क्या है। जी हाँ, नई फीचर्स क्या है। तो इसमें अगर हम बात करें तो सबसे अच्छा है कि इसमें लेट फंक्शन है, एक्सेल कर्व है, डायनेमिक एरे है, और बहुत सारे नई चीज़ें हैं। अगर मैं इस लिंक पे क्लिक करूं तो माइक्रोसॉफ्ट की साइट ओपन होगी जहां पे मुझे क्लियरली बताया जाएगा कि 2021 में क्या क्या है। सिंपल को ऑथरिंग है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बेटर कोलरेशंस है, यहाँ पे विजुअल रिफ्रेश है, एक्स लुकअप और बहुत सारे फॉर्मूले इसके अंदर अवेलेबल है, लेट फंक्शंस है जो कि डिफाइन करते हैं हम, डायनेमिक एरे है, एक्स मैच है, सीट का व्यू जो है अपने हिसाब से न्यू व्यू में क्लिक कर सकते हैं। पहले फाइल का न्यू व्यू था, अब सीट का भी न्यू व्यू आ गया, और यहाँ पे जो एक्सेसिबिलिटी टूल्स है वो आपका अच्छा हो गया है। उसके बाद अपने कंटेंट के बाद अच्छे से रीच कर सकते हैं, मतलब कि अगर कुछ हो आपको, अगर कोई पैराग्राफ कोई चीज़ों के बारे में जानना है तो गूगल पे बार बार जाने की ज़रूरत नहीं है, ये इंटरनेट से सर्च के करके अपने आप को देगा। इसकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव हुई है, और इसके बाद इसमें जो है मीडिया वो भी अच्छा हुआ है, जैसे कि अगर आप इमेज वगैरह लेते हैं तो इसमें 3D इमेज वगैरह आ गया है, तो ये जो है मीडिया भी अच्छा हुआ है। और स्ट्रेस है, हम आराम से माइक्रोसॉफ्ट को सर्च जो है, मैंने बताया था आपको कि गूगल पे जाने की जरूरत नहीं, कुछ भी सर्च करना है आप एक्सेल के अंदर इजीली सर्च कर सकते हैं, ये हम आगे की क्लासेस में आपको समझाएंगे। यहाँ पे ऑटो सेव का ऑप्शन है, मैं बार बार सेव करना नहीं, ऑटोमेटिक सेव हो जाता है। पीडीएफ फॉर्मेट को सपोर्ट कर रहा है, ओपन डॉक्यूमेंट या पीडीएफ फॉर्मेट को जो है इजीली सपोर्ट कर रहा है। इसमें एक ड्राइंग टू का ऑप्शन आया, ड्रॉ का नया व्यू आया, पहले नहीं था लेकिन अब ये नया ड्रॉ का व्यू आया। जैसे अभी आपने देखा कि मैंने कुछ लिखा था, उसके लिए मुझे अपने जूम का ड्राइंग लेना पड़ा, बट आप एक्सेल की ड्राइंग जो है आप उसी के ले सकते हैं, कि कुछ भी अगर ड्रॉ करना हो तो एक्सेल में ड्रॉ है, आप यहीं से कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं सिंपली। इसके बाद इसमें आता है कि क्विक समरी है, वर्कबुक के ऊपर स्टैटिक्स है, आप 1 2 3 करके रिव्यू में जाके अपने वर्क क्विक समरी ले सकते हैं। यहाँ पे कलर आपको जो है परफेक्ट कलर आया है, अपने कलर को परफेक्टली पिक कर सकते हैं। उसके बाद इसमें अपने जो बॉर्डर्स हैं, लाइंस हैं, उसको आप अपने हिसाब से ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी तरह पे। तो ये जो है एक्सेल के न्यू फीचर्स है, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये आप लोग जो अगर मेरी कोर्स को लेते हैं तो ये फाइल आपको मिलेगी, इस फाइल के अंदर ही सब कुछ डला हुआ है, आप आराम से इसको देख सकते हैं। अब बात करते हैं सैंपल, कि हम एक्सेल के जरिए किस किस तरह की रिपोर्ट्स बना सकते हैं। हालांकि आप अगर फाइल के अंदर न्यू में जाते हैं तो यहाँ आपके बहुत सारे टैम्पलेट मिलते हैं जो आप एक्सेल के थ्रू बना सकते हैं।
लेकिन हमारे कोर्स अगर आप हमारे कोर्स अगर करते हैं तो हम इसमें से मोस्टली एग्जांपल है वो हम करेंगे। ये जो डैशबोर्ड आप देख रहे हैं, ये जो रिपोर्ट्स देख रहे हैं, ये रिपोर्ट्स हम आपके साथ डिस्कस करेंगे अपनी क्लासेस में। जी हाँ, इसमें से मोस्टली चीज डिस्कस करेंगे, जितना हो सके ये सब को हम मुझे डिस्कस करना है आपके साथ। तो इस तरह की जो रिपोर्ट्स है आप एक्सेल में बना सकते हैं इजीली। जी हाँ, ये सारे डैशबोर्ड्स में आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। इस तरह के जो डैशबोर्ड जिसकी इमेज मैंने डाली है, ये इमेज आप आसानी से यूज कर सकते हैं हमारी क्लासेस में। अब हम बात करते हैं कि आखिर अब सीखने के बाद आपको जॉब कैसे मिलेगी। देखिए, naukri.com से मैंने अभी जो तत्काल में वैकेंसी चल रही थी उस वैकेंसी का स्क्रीनशॉट मैंने कॉपी पेस्ट किया। ये जितने भी जॉब का देख रहे हैं ये सारे naukri.com से लिया गया है। ऐसे आप जाके naukri.com पे सर्च भी कर सकते हो कि MIS एक्सेल से रिलेटेड क्या क्या जॉब मिल सकते हैं, कितना पैकेज है, कितना एक्सपीरियंस मांगते हो, सब कुछ। सबसे पहला देखिए, यहाँ पे एक्सेल स्पेशलिस्ट का जॉब है, ई कॉमर्स शिपिंग सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड में आपको ये मिलेगा। और इसकी आप देख सकते हैं कि 2 से 2.5 लाख का है, न्यू दिल्ली महिपालपुर में निकला हुआ। इसमें एडवांस एक्सेल चाहिए, डेटा मैनेजमेंट एनालिटिक्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी चाहिए। अगर हम इसकी बात करें MIS QT, तो इसकी सैलरी डिस्क्लोज नहीं की गई है, एक लखनऊ में है। और एडवांस एक्सेल एक्सेल वर्ड MIS के बारे में चाहिए, MS ऑफिस भी उनमें चाहिए। अगर आप VVA भी जानते हैं तो आपको विल्सन टावर में मिल सकता है। इसमें देख सकते हैं कि 2 से 4 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपका आराम से 9 से 11 लाख का पैकेज मिल जाएगा। जी हाँ, मुंबई के अंदर क्वालिटी में जा सकते हैं आप, MIS में जा सकते हैं आप। ब्रांच अकाउंटेंट है, उसमें भी एक्सेल की ज़रूरत है। आप देख सकते हैं रिस्क एडजस्टमेंट है, उसमें भी एक्सेल की ज़रूरत है, MIS की ज़रूरत दिख पा रही है। देख सकते हैं VLOOKUP वगैरह मांग रहा है। उसके अलावा अगर आप MIS SQT का जॉब करते हैं, यहाँ पे ऑपरेशंस के अंदर भी MIS की काम होता है, उसमें भी आपको 2 से 7 साल का है, 4 लाख तक का आराम से इसमें भी पैकेज आपको मिलता है। और यहाँ आप देख सकते हैं अकाउंट फाइनेंस का जॉब निकला हुआ है, और ये भी आपको 3 से 4 लाख का पैकेज मिलता है। और इसमें भी आपको अकाउंटिंग के बाद साथ साथ एक्सेल की भी नॉलेज होनी चाहिए। उसके अलावा IT हेल्प डेस्क में भी आप जा सकते हैं। अगर आपने अगर BCOM MCOM की जगह पे आपने अगर BTech वगैरह कर रखा है या फिर BCA वगैरह रखा है, तो IT हेल्प डेस्क में भी आपको या उसके कोऑर्डिनेटर में आप जाएंगे तो वहाँ भी आपको एक्सेल का अच्छा खासा एक्सेल की जरूरत पड़ेगी। हाँ, पैकेज थोड़ा सा कम है क्योंकि फ्रेशर के लिए आप देख सकते हैं। तो मोस्टली आप देख सकते हैं कि हर फील्ड में आपको इसकी ज़रूरत पड़ रही है, और जो सैलरी पैकेज है। अब ये चीज़ें मैंने स्क्रीनशॉट करके निकाली हुई है, आप चाहो तो डायरेक्टली naukri.com पे जाके एक्सेल या MIS या डेटा एनालिटिक्स सर्च करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि एक्सेल की क्या क्या ज़रूरत है। अगर मैं बात करूँ कि एक्सेल जस्ट लाइक ए डिजिटल रजिस्टर, आज से कुछ साल पहले जब कंप्यूटर का चलन कम था तो हर एक ऑफिस के अंदर में एक मोटा सा रजिस्टर होता था, जो भी करना होता था हम उसी रजिस्टर के अंदर करते थे। अब हम बात करते हैं हमारी कोर्स के बारे में, जो आप करने वाले हैं उनके बारे में मैं समझा देता हूं मैं आपको। तो सबसे पहले आप मेरे iptindia.com पे जाएंगे, तो हमारे पास ऑनलाइन क्लासेस है, एक वीडियो क्लासेस है ऑनलाइन जो कि जूम के जरिए होती है, जो डेली बेसिस पे 1 घंटे की क्लासेस होती है जूम के जरिए। दूसरा वर्चुअल क्लास है जो कि हमारे वीडियो फॉर्म में होती है, जिस वीडियो को आप अभी देख रहे हैं। तो आप अगर ऑनलाइन क्लास से वीडियो फॉर्म क्लास पे जाते हैं तो हमारा एक कोर्स जिस पे हम डिस्कस कर रहे हैं, हालांकि मेरे पास और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, लेकिन एक कोर्स एडवांस एक्सेल विद फॉर्मूला की हम बात कर रहे हैं, इस कोर्स को आपके साथ डिस्कस हम करेंगे। तो इसमें आपको जो बेसिकली 14 से 15 चीज़ें पढ़ाई जाएगी, जैसे कि एडवांस ऑफिस एनवायरनमेंट है, ये आपका 2021 और Office 365 का मेनू कमांड हो जाएगा, रिपोर्ट ऑटोमेशन फॉर्मेट हो जाएगा, डैशबोर्ड के लिए डेटा एनालिटिक्स विद पिवट टेबल, एडवांस पिवट टेबल, पावर पिवट टेबल, डेटा विजुलाइजेशन विद चार्ट्स, टेबल और चार्ट्स, मोर देन 300 फॉर्मूला कवर है इसमें। इसमें फॉर्मूला और एडवांस ट्रिक्स कवर हैं जिसे मल्टीपल फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, एरे फॉर्मूला है इसमें 50 एरे ट्रिक्स कवर है, डेटा कनेक्टिविटी है आप किसी अदर ऐप से कैसे डेटा को अपने एक्सेल में लेके आ सकते हैं, पावर क्यूरी है, सिक्वल क्यूरी इन एक्सेल है,
डायनेमिक चार्ट और कंट्रोल बटन्स है, डैशबोर्ड विद फॉर्मूला है, रिपोर्ट ऑटोमेशन विद फॉर्मूला है, ये चीज़ें आपको हम करेंगे। 14 कंसेप्ट होगा। उसके बाद हम इंटरव्यू की प्रिपरेशंस पे भी आपको मदद करेंगे ताकि आप जॉब को सर्च कर सकें। हर क्लास की आपको वीडियो भी मिल ही रही है, नोट्स भी मिलेंगे, पीडीएफ मिलेंगे, आर्टिकल मिलेंगे। अगर आप हमारी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करते हैं तो फ्री रीज्वाइनिंग भी मिलेगी और साथ में प्रैक्टिस फाइल तो हर क्लास के साथ आपको मिलेगी ही मिलेगी। टाइम टू टाइम इसकी टेस्ट भी होती रहेगी और डेमो क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप हमारी ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो। अगर आप हमारी रिकॉर्डेड फॉर्म में हैं तो बहुत सारे वीडियोज आपको मेरे ऐप पे दिखेंगे, तो ऐप को डाउनलोड करें और उसको यूज कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे एक्सेल के और नए फीचर्स के बारे में। तो फिलहाल के लिए धन्यवाद, आपने वीडियो देखा इसलिए थैंक यू, और सर्च करते रहिए, किसी तरह की प्रॉब्लम के लिए मुझे कॉल कीजिए।